गाड़ी में और जा रहा हूँ अपने घर, और बीच रास्ते में हम लोग बात कर रहे हैं। सो बेसिकली जो हमारा आज का वीडियो है उसका टाइटल है लॉन्ग डिस्टेंस किलोमीटर के ऊपर है, यानी हम कितना लॉन्ग ड्राइव अपनी नैनो में कर सकते हैं, क्योंकि इसका इंजन छोटा है 624 सीसी का। तो जब भी मैं कोई लॉन्ग ट्रिप करता हूँ या कहीं जाता हूँ तो ज़्यादातर जो सवाल आते हैं वो यही होते हैं कि आप एक दिन में इसको कितना घंटा चलाते हैं या आप मैक्सिमम कितना किलोमीटर ड्राइव करते हो, उसके रिलेटेड जो है ज़्यादातर सवाल लोगों के मुझे आते हैं। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर डिटेल में थोड़ी बातचीत कर लेते हैं, और मैं आपको बता दूं कि आप इसको मैक्सिमम कितना लॉन्ग डिस्टेंस जो है ड्राइव कर सकते हो, तो क्या इसमें इंजन ओवरहीट होगा या ओवरहीटिंग की वजह से गाड़ी जो है बीच में बंद हो जाएगी, या 100, 150, 200 किलोमीटर के बाद इसको ठंडा करने के लिए रोकना पड़ेगा। एक नॉर्मली जो मेंटालिटी होती है हमारी, उसमें हम ऐसा सोचते हैं कि 100, 150 या 200 किलोमीटर हमने ड्राइव किया तो हम फ्रेश होने के लिए कहीं पे रुकते हैं, वॉशरूम जाते हैं, चाय पीते हैं, थोड़ा नाश्ता करते हैं, तो उस बहाने हमें हमारी बॉडी को भी रिलैक्स मिल जाता है और गाड़ी को भी रिलैक्स मिल जाता है, उसके इंजन को। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपको कहीं रुकना नहीं है, नॉनस्टॉप चलाना है, तो आप आराम से चला सकते हो 400-500 किलोमीटर भी आप नॉनस्टॉप इसको चला सकते हो। इसमें किसी भी प्रकार का वो इशू नहीं होगा जो आप सोच रहे हो कि इसमें इंजन ओवरहीट होगा या गाड़ी बंद हो जाएगी। अगर आपकी कैपेसिटी है इतना ड्राइव करने की कि नॉनस्टॉप बैठ के, तो आप इसको जो है इजीली ड्राइव कर सकते हो बिना किसी रुकावट के। और मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब मैं लद्दाख गया था तो मैं इसको हर रोज़, यानी डे वन से लेकर डे लास्ट तक हर रोज़ मैं इसको 14 घंटे 15 घंटे कभी कभी 16 घंटे तक मैंने इसको नॉनस्टॉप ड्राइव किया हुआ है। पर एक भी दिन ऐसा नहीं है कि जिसमें 14 घंटे से कम जो है मेरा ड्राइविंग हुआ हो। हर बार मिनिमम 14 घंटे तो हर रोज़ का होता ही था। तो गाड़ी में तो वो कैपेसिटी है, आप चाहे कोई भी कार ले लो, वो डिपेंड करता है कि ह्यूमन कैपेसिटी कितनी है। अगर आप करना चाहते हो 400-500 नॉन स्टॉप कर सकते हो। मैंने भी चलाया था, शुरू में मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, जो मेरा नी एरिया है वहाँ पे मुझे पेन होता था, क्योंकि एकदम से ऑल ऑफ सडन इतना ड्राइव करने का हो गया किलोमीटर, और मेरा पूरा शेड्यूल डे वन से लेकर डे लास्ट तक का डे बाय डे फिक्स ही था कि आज मुझे यहाँ से यहाँ जाना है। तो उसमें गूगल में मुझे बता रहा था कि 8-9 घंटे लगेंगे, लेकिन कभी ट्रैफिक आ गया, कभी ऐसा हिली एरिया आ गया, तो उसकी वजह से वो टाइम कभी कभी एक्सटेंड हो जाता है ट्रैफिक की वजह से। तो एक्चुअली गूगल में जो टाइम बताता है उतना होता नहीं, उससे ज़्यादा ही हो जाता है। तो मैं एक एवरेज पकड़ता हूँ कि मेरा 14 घंटे का डे टू डे का मेरा ड्राइव था और मैंने वो किया हुआ है। अगर आप वो सारे वीडियो आज की तारीख में भी देखोगे तो आपको दिखेगा। तो मैंने सोचा कि बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं तो इसके ऊपर आज एक वीडियो बना देते कि आप लॉन्ग डिस्टेंस कैसे ड्राइव कर सकते हो। तो देखो मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा कि नॉर्मली एक तो आपको लॉन्ग डिस्टेंस भी ड्राइव करना है, उसमें आपको पेन भी नहीं होना है, आपको अच्छी एवरेज भी चाहिए। तो सिंपल सी बात है कि किसी एक स्पीड के ऊपर उसको फिक्स कर दो आप। अगर आप मान लो कि आपको 80 पसंद है तो आप 80 की स्पीड पे लगा दो, 80 किलोमीटर पर आवर, पर उससे ज़्यादा मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा। अगर आप चाहे तो कर सकते हो 100 या 100 के ऊपर, पर मैं नहीं मानता वो सब चीज़ में। 80 इनफ है, 80 की स्पीड भी, जिसमें आप नज़ारे भी देख सकते हो, आपको एवरेज भी मिलेगा और आपको लगेगा कि नहीं कि आप कंटिन्यूसली इतने टाइम से गाड़ी चला रहे हो, आपको थकान लगी ऐसा। तो मेरे हिसाब से जो 80 का स्पीड है वो बेस्ट है। और टायर प्रेशर खास इसमें मेंटेन करना, अगर विंटर में जा रहे हो तो उसके जो लिखा है उसके हिसाब से आप रखो। लेकिन अगर आप
टाइम पे जा रहे हो तो आपका जो भी टायर प्रेशर बुकलेट में मेंशन किया है उससे आप एयर प्रेशर कम रखना, क्योंकि समर के टाइम पे गर्मी में जब हम ड्राइव करते हैं तो उसके अंदर हॉट एयर प्रेशर जनरेट होता है, तो उसकी वजह से जो एयर होता है उसमें 2-3% जो है वो ज़्यादा ही हो जाता है डिजिट में, तो उसकी वजह से पॉसिबिलिटी क्या होती है कि हमारा जो टायर है वो ब्लास्ट हो सकता है, और ज़्यादा हवा होने के कारण ये भी हो सकता है कि हमारी गाड़ी जो है ज़रा थोड़ी हवा में उड़ेगी, पकड़ के नहीं चलेगी रोड को। तो ये जो सारी चीज़ें जिसके ऊपर हमको ध्यान रखना है खास करके लॉन्ग ड्राइव पे, लॉन्ग डिस्टेंस किलोमीटर में, और कहीं भी दूर जाओ उससे पहले प्रॉपर उसका सर्विस करवा लो, जो ज़रूरी लगे उसको रिप्लेस करवा दो, क्योंकि हमारा माइंडसेट होता है कि भाई जितना कम खर्चा उतना अच्छा है जाने से पहले, तो उसके चक्कर में फिर ऐसा होता है कि आगे चल के ब्रेकडाउन आता है और हमारा एक्सपेंस उससे 3-4 गुना बढ़ जाता है। तो ये जो सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ओवरऑल मेरे एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर ही बता रहा हूँ, क्योंकि मैं जब लद्दाख गया था तो मेरे टायर इतने भी पुराने नहीं थे, फिर भी जो है मैंने उसको पूरे चारों चार टायर रिप्लेस किए, इवन स्पेयर व्हील भी मैंने रिप्लेस कर दिया था, क्योंकि आप सब जानते हो लद्दाख की सड़कें कैसी, उसके रास्ते कैसे हैं। तो फिर यहाँ 900-1000 रुपये या 2000 रुपये बचाने के चक्कर में अगर वहाँ जाके मेरा टायर फंस जाता, जो कि रिमोट लोकेशन पे कुछ जगह पे तो उसमें नेटवर्क भी नहीं आता है, तो फिर आप किसको कॉल करोगे, कौन आएगा, और वैसे भी इसके बोलते हैं स्पेयर पार्ट नहीं है, तो टायर उसकी साइज का मिला नहीं मिला, तो वहाँ जाके आप परेशान हो जाओ फंस जाओ, उससे बेटर है कि आप यहाँ से उसको प्रॉपरली सब कुछ करवा के जाओ, ताकि ओवरऑल जर्नी में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया कि हाउ टू मैनेज लॉन्ग डिस्टेंस किलोमीटर, हाउ टू ड्राइव आप कह सकते हो। तो वीडियो को यहाँ पे समाप्त करेंगे, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, फर्स्ट टाइम अगर चैनल में वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है, और आगे भी मैं 2 वीडियो में बता चुका हूँ कि मैं जो इसमें एक ट्रिप प्लान करने का सोच रहा हूँ, तो 3 रूट ऑलरेडी मेरे पास सेट है कि मैं कहाँ जा सकता हूँ, और जब मैं राइड स्टार्ट करूँगा उसी दिन मैं डिक्लेयर करूँगा कि मैं कहाँ कहाँ जा रहा हूँ, और नैनो में जा रहा हूँ कि अपने बादल में जा रहा हूँ यानी बजाज एवेंजर क्रूज, तो उसी दिन मैं आपको बताऊँगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। पर बहुत टाइम हो गया लद्दाख के बाद कोई भी इतना लॉन्ग डिस्टेंस कवर नहीं किया है और ना ही कोई नया प्लेस कवर किया है, तो इस बार सोच रहा हूँ 23 ख़त्म होने से पहले कैसी ट्रिप करूँ लॉन्ग डिस्टेंस वाली। तो आप ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट देते रहना ताकि हमें और इंस्पिरेशन मिले और हम ऐसे राइड करें। तो टिल देन सी यू, बाय बाय। और अगर इस वीडियो में अगर आपको कुछ लगता है पॉइंट रह गया है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, या तो मेरे लद्दाख के जितने भी एपिसोड हैं वो सारे देख सकते हो। तो नैनो में कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं है कि जिससे आपको घबराना हो कि भाई मैं इतना किलोमीटर नहीं चला सकता, या इसमें ओवर हीट होगा, या कोई इंजन का इश्यू आएगा। तो स्पेसिफिकली नैनो को मैं काफ़ी टाइम से चला रहा हूँ, 8 साल से, तो अभी तक तो मुझे कोई ऐसा इश्यू नहीं आया। तो प्लीज़ कमेंट करना अगर आप कुछ और जानना चाहते हो, पूछना चाहते हो। तो टिल देन सी यू, बाय बाय।